गुजरात में तालिब इल्म के ग्रुपों का एक और फायरिंग का वाकया पेश आया है और ये फायरिंग का वाकया थाना सिवा लाइन के इलाका जट्टू वक्कल चौकी के करीब सर्विस मोड पर रेस्क्यू 1122 दफ्तर के बिल्कुल करीब पेश आया है। बताया गया है कि दो तालिब इल्म ग्रुप आपस में फायरिंग कर रहे थे। इसकी इत्तला मिलते ही चौकी इंचार्ज जट्टू वक्कल चौकी एएसआई जुल्फकार अहमद मां नफरी मौका पर पहुंचे और ऐसे जुल्फकार अहमद के मुताबिक दोनों ग्रुप जो है एक दूसरे पर सीधी फायरिंग कर रहे थे, जिसकी जद में आकर दो तालिब इल्म जो है सैयद लुत्फुल्ला शाह सकना मोहल्ला बख्शुपुरा गुजरात और जबकि इसके साथ दूसरा तालिब इल्म जो है फिजान असलम खोकर सकना कालरा पुनवा गुजरात शदीद जख्मी हो गए। जबकि इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुसल्ला चंद जो नौजवान थे उनको गिरफ्तार भी किया है। फौरी तौर पर पुलिस ने जख्मी तालिब इल्मों को अस्पताल पहुंचाया और इसके बाद इलाका में सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जो है पुलिस ने सर्च कार्रवाई करते हुए सर्विस मोड पर वाकया जो कॉलेज है उसके अंदर भी सर्च ऑपरेशन किया और मुत्तिव तालिब इल्मों को जो है सीसीटीवी कैमरों की मदद से ट्रेस किया गया और तकरीबन निसफ दर्जन से ज़ायद जो तालिब इल्म हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है और पुलिस की मदईयत में इसका मुकदमा जो है दर्ज किया गया है और ये अब्दुल रहमान उर्फ मानी और फरहान भट्ट वगैरह के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है। आवाज न्यूज से मैं हूँ आकाश न्याज। आवाज न्यूज हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।